सो हे गाइस, स्वागत है यार वापस से एक और नई वीडियो के अंदर। आज वापस आए एक आईकिनियो 6 की वीडियो के साथ। तो भाई आज ना मैं हैंड कैम काफ़ी ज़्यादा टाइम बाद लेके आ रहा फ्रॉम हूँ। आई थिंक 6 मंथ हो गए मुझे जब मैंने आखिरी हैंड कैम डाला था। इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है हैंड कैम के अंदर। मेरे पास इतनी जगह नहीं, सब बताऊँ तो मेरे पास जगह की दिक्कत है। बहुत ज़्यादा क्लोज हो जाता है फ़ोन कैमरा के, तो हाथ हिलाने की जगह नहीं मिलती है गहरे सूप से एंड फोर बिल्कुल। स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं, मैंने इस फोन को काफ़ी ज़्यादा टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, तो आपको टाइटल देख के पता लगा कितना टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। एंड वन मोर थिंग, मैंने सारे के सारे अपडेट कर रखे हैं। मैंने आपको शुरुआत में वही दिखाने की ट्राई करी थी जब मैंने आपको सही से दिखा नहीं पाया, बट मैंने सारे के सारे जितने भी अपडेट आए ना सारे के सारे कर रखे एंड हैं। हाँ यार, काफ़ी सारे लोग ना ये बोल रहे थे गायरो की दिक्कत आ रही है IQ News 7 के अंदर। तो भाई वो IQ News 7 के अंदर ये सबके अंदर है। ये देखो इसके अंदर भी देखने को मिल रही है ना। अगर आपको इसे पता नहीं चल रहा मैं बताऊँ ना, जब मैं फ़ोन ऊपर कर रहा हूँ ना, नीचे की साइड पर जा रहा है, नीचे वाली साइड पर कर रहा हूँ तो ऊपर वाली साइड पर जा रहा है। मैं थोड़ा बहुत फ़ोन पे हिलाओगे ना अचानक से तो वापस से सही हो जाता है। 2 या 3 सेकंड का ही होता है तो ये। गायरो तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया काम करता है, अभी भी 1 साल बाद भी भाई साहब कोई दिक्कत नहीं आती गायरो के अंदर भी। एंड यार मैं 1 साल से इस फोन को यूज़ कर रहा हूँ, तो ना वो पीछे जो साइड है ना उस पर बिल्कुल भी एक निशान भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर आप कवर भी चला कर करोगे ना तो एक डेंट तक नहीं आया बिल्कुल। अभी भी अगर आप पानी से बस साफ हो जाए ना, बिल्कुल नया ऐसा लगता तो है। यहाँ पे एक छोटा सा मैच देखो एंड देन फिर आपको एक 90 FPS का मैं क्लासिक दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपने TDM देखा होगा, जो भी आपसे कहता है ना कि ये फ़ोन 90 FPS नहीं निकाल पाता TDM के अंदर, या फिर ऐसे बोलता है 90 FPS नहीं निकाल पाता, तो भाई मैं सच सच बोल रहा हूँ TDM के अंदर या अभी भी 90 FPS के अंदर कोई ऐसी दिक्कत नहीं देता। अगर आपको 90 FPS पे खेलना है ना, आपको कॉन्स्टेंट 90 FPS निकाल कर देगा, 85 से लेकर 90 के बीच में। तो अगर आपको अभी भी इसके अंदर TDM खेलना है ना 90 FPS पे, तो भाई आप TDM आराम से खेल सकते हैं। किसी का भी 1v1 खेलना है ना, आप आराम से पेल देंगे उसे 90 FPS की वजह एंड से। यहाँ पे मैं थोड़ी चीज़ें और बता दूँ, तो इसकी ना बैटरी ड्रेन बीच में बेकार हो गई है Android 13 के अपडेट का, मगर इन्होंने अपडेट के बाद ना थोड़ी बहुत सही कर दी है। हमारे पहले ऐसी तो अभी भी नहीं है, हमारा अपडेट का जितनी सही हो सकती थी भाई उन्होंने उतनी तो कर दी एंड भाई है। मैं 25,000 के हिसाब से अभी बोलूँ ना, तो अगर आपको 5G बैंड से फ़र्क नहीं है तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि कैमरा के हिसाब से भी या दूसरे फ़ोनों से कंपेयर करोगे तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है 25,000 के फ़ोनों से। मगर स्टिल अगर आपको बस ओनली गेमिंग करनी है तो मैं वापस से बोलूँगा Redmi K50 आप देख सकते हैं। इससे थोड़ा सस्ता भी है एंड वो ओनली गेमिंग का है। मगर आपको कैमरा वगैरह सब कुछ चाहिए तो आप फिर इसकी तरफ देख सकते हैं। 25,000 के अंदर बेस्ट बोलूँगा, मगर गेमिंग के लिए अगर देखना तो भाई Redmi K50 ले लो, 21,000 रुपये का मिल रहा बट है। ऐसा नहीं है जिस बंदे ने फ़ोन ऑर्डर कर दिया तो बेकार है भाई। देखो ओवरऑल के हिसाब से ना ये Redmi K50 से काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, मगर गेमिंग के हिसाब से ना Redmi K50 ज़्यादा बढ़िया है। तो ओवरऑल में ये ज़्यादा बढ़िया दिख जाएगा क्योंकि कैमरा है, एमोलेड सब कुछ देखने में मिल जाता है एंड आपको। यहाँ पे ना आप ज़्यादा अच्छी तरीके से 90 FPS नहीं खेल सकते। तो मैंने शुरुआत शुरुआत में लिया था ना, अब 70 से 80 FPS देता था, मगर अभी अपडेट करने के बाद तो 60 FPS तक ही रहता है। तो उससे बढ़िया ये है कि आप 60 FPS पे ही खेलो, जो आपका नया फोन है जब आप 90 FPS पे खेल सकते हो क्लासिक को भी। तो यार होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड यार काफ़ी सारी मेहनत लगती है हैंड कैम बनाने में, तो प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं।